हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस एम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी खबर के बारे में, मतलब हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आउटकम अभी आ ही जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, रबर बैंड इतना ज़्यादा मतलब दोनों तरफ से खींचा यहाँ पे जा रहा था कि तो वो टूटेगा ही टूटेगा। तो फाइनली वो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है दोस्तों। एंड खबर की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी नेगेटिव खबर है, बट इसमें बहुत सारे ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ अफवाह वाला भी ट्विस्ट है, कुछ रिपोर्ट के जरिए खबरें भी आ रही है, ठीक है। तो एक एज अ इन्वेस्टर हम तो ऑलरेडी ऐसी कंपनी से यहाँ पे दूर ही थे, ठीक है। ऑलरेडी अगर देखा गया तो 4 से 5 साल पुराने वीडियो में ही आपको एक वीडियो बनाकर आपको मैंने बताया था कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है ना कि कंपनी का भविष्य ही खतरे में है क्या होगा करके, तो वहाँ पे यूजुअली थोड़ी सी दूरी बना के यहाँ पे रखनी चाहिए। एंड वही चीज़ें अभी हम लोगों को प्रैक्टिकली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, कुछ कंपनियाँ होती है, 1-2% कंपनी ऐसी होती है जो कि उन सिचुएशन से खुद को बाहर भी निकाल लेती है, तो चाहे तो हम लोग बाद में आराम से वहाँ पे निवेश भी कर सकते हैं। बट हाँ, जब भी बड़े ऐसे अनसर्टेनिटी निकल कर आती है जहाँ पे कंपनी का सीधा अस्तित्व ही खतरे में रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, तो वहाँ पे हमेशा एज ए इन्वेस्टर हम लोगों ने बच के रहना होता है। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है, कौन सी खबर की बात हो रही है, कल क्या हो सकता है, कौन से ट्विस्ट की मैं बात करूँ, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनली जी सोनी के मर्जर के बारे में। यस, जी सोनी का मर्जर तो हम कब से सुन रहे हैं, होगा 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 करके, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद से 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड काफ़ी सारी तूतू में चलती थी कि डील होगा, फिर वो बोलते थे नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो भाई जी तो गया काम से, क्योंकि इस कंपनी की अगर हम बात करें तो हालत ही बहुत ख़राब थी। ये एक सोनी के साथ इनका जो मर्जर था ना, वही इनके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन था, ठीक है। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस प्रकार के अब लोगों को ऑफिशियली खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी नेगेटिव खबर जी एंटरटेनमेंट के लिए होने वाली। आप देख सकते हो जो सोनी जी का जो मर्जर है, ठीक है, तो उसकी जो डेडलाइन थी ये इतना बार बार तारीख के ऊपर तारीख हो ही रहा था, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों, सोनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वो जी के साथ मर्जर नहीं करना चाहते, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। ऑफिशियल खबर है, यस, कोई रिपोर्ट के जरिए खबरें नहीं, ऑफिशियल खबर आते हुए देखने को मिल रही है। $10 बिलियन की डील थी दोस्तों ये, 1 बिलियन मतलब होता है रफली मोटा मोटी 8-8.5 हज़ार करोड़, 10 बिलियन मतलब लगा लो हिसाब कितना होता है, 80-85 हज़ार करोड़ की ये डील होने वाली थी, ठीक है। और ये डील फाइनली क्या कर दिया, सोनी ने टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। इसके मतलब चांसेस नज़र ही आ रहे थे और कितना खींचेंगे यहाँ पे, बस एक ही चीज़ होती थी कि अभी डेडलाइन है तारीख एक्सटेंड करो, अभी डेडलाइन है तारीख एक्सटेंड करो। तो फाइनली अभी लग रहा है कि भाई सोनी इससे निकलना ही चाहता है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अभी इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों ने यहाँ पे पहले मर्जर का यहाँ पे प्लान किया था, और मर्जर का रीज़न ये था कि जो बाकी के हम लोग को एंटरटेनमेंट वाली कंपनियां हैं, ठीक है, उनके साथ कम्पीट करना है और इंडिया का लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी बनना है। जी एंड सोनी अगर हाथ मिला लेते तो ये पॉसिबल था, तो क्यों, किसको टक्कर देना था, नेटफ्लिक्स को टक्कर देना था, अमेजोन को टक्कर देना था। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों रिलायंस भी यहाँ पे क्या कर रहा था कि अगर इनकी डील हो गई तो भाई हमें भी इनको टक्कर देना है, तो रिलायंस डिज्नी के साथ यहाँ पे बातचीत करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये भी अभी तक ऑफिशियल खबर सामने नहीं है कि रिलायंस और डिज्नी की, डिज्नी हॉटस्टार की डील होगी कि नहीं करके, ठीक है। बट ये सबसे बड़ी मेन वजह थी कि इस प्रकार के बड़े बड़े डील्स होते हुए देखने को मिले थे, तो इसलिए जी सोनी भी एक साथ आगे बढ़ने का विचार यहाँ पे कर रहे थे। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 21 जनवरी मतलब कल के दिन की बात करें, ठीक है, संडे की बात करें, तो तारीख यहाँ पे हम लोग को डेडलाइन देखने को यहाँ पे मिल रही थी एंड बार बार एक्सटेंड यहाँ पे हो रहा था। एंड इस वक्त की भी 21 तारीख को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कोई फाइनल आउटकम निकला ही नहीं, बार बार वो यहाँ पे हम कह सकते निगोसिएशंस, मतलब बोलते ना हर किसी को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, तो वो हो ही नहीं रहा था। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 21 तारीख जो जैसे ही मिडनाइट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, डेडलाइन भी हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, तो आज के दिन कुछ ना कुछ तो खबर यहाँ पे आने वाली थी, इसका एक अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा था। एंड अगर मैं आपको बता दूँ तो ये देखिए, जैसे मैं आपको बोला था ना कि 2021 दिसंबर में ये हम लोग को मर्जर होते हुए देखने को मिलना चाहिए था, अभी क्या चल रहा है, 2023 का जो दिसंबर चल रहा था ना, तभी भी जो डेडलाइन था उसमें भी यहाँ पे मतलब देखा गया तो जी सोनी को कह रहा था कि थोड़ा और पुश कर दो करके, मतलब 2 साल तो निकल गए, ठीक है, फिर भी कोई आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। सो इस डील के चलते पहले बताया जा रहा था कि 2021 के डील के हिसाब से अगर मर्जर अगर प्रॉपरली होता तो सोनी के पास, मतलब एक मर्ज एंटिटी नई क्रिएट होने वाली थी, तो सोनी के पास 50.86% का स्टेक रहने वाला था, जो कंबाइंड एंटिटी है, नई एंटिटी है उसमें, एंड बाकी का जो स्टेक है उसमें हम लोग को जी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। एंड जैसे कि आपको बताया था कि 8-10 महीने के अंदर अंदर भाई ये सब कुछ यहाँ पे होने वाला था, बट ये देखिए 2 साल हो गए
फिर भी यहाँ पे डील हम लोग को टोटली इनकम्प्लीट ही रहते हुए देखने को मिली थी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल सूट जो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे थे कंपनी की जो MD CEO है पुनीत गोयंका के ऊपर, ठीक है, जो कि इनके हम लोग को प्रमोटर भी देखने को मिल रहे थे। तो ऑलरेडी ये वीडियो मैंने बना के आपको बताया था भाई, एक बार ये केसेस में अटक गए ना चीज़ें, ठीक है, एंड खास करके देखिए हर एक केस को इनके साथ कंपेयर करके देखना नहीं चाहिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना कि सीधा मतलब आर या पार की लड़ाई होती है, जैसे कि ये केस, कि अगर इस केस में अगर थोड़ा केस मतलब क्या कि अगर यहाँ पे अगर ये डील नहीं हुई तो बहुत कुछ नुकसान यहाँ पे हो सकता है इसी का, ऑलरेडी हो चुका है बट अभी अस्तित्व ही इनका खतरे में आ जाएगा और वैसा ही होते हुए देखने को मिला है, तो बच के रहना चाहिए। सो ये जो पुनीत गोयंका थे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, कितने सारे केसेस है अगर आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और बार 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 ये चीज़ें चल ही रही थी एंड यही मेन फसाद की जड़ें हम कह सकते हैं कि जो डील 8 महीने तक होनी जानी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 महीने तक, वो 2 साल के बाद भी आज भी देखा गया तो कंप्लीट नहीं होती हुई देखने को मिले। कल के दिन इसका आखिरी तारीख था एंड और कह रहे पोस्टपोन करो करके। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये इनसाइड स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही कि सोनी ने यहाँ पे क्या कर दिया, इस चीज़ के चलते विड्रॉ यहाँ पे कर लिया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, जैसे कि ये जो नई कंपनी क्रिएट होगी, ठीक है, सोनी और जी हाथ मिला लेंगे, नई कंपनी क्रिएट हो जाए, ठीक है, बट उसमें अगर देखा गया तो पुनीत गोयंका मतलब उसमें यहाँ पे हेड बनेंगे, उसको लीड करेंगे, तो ये चीज़ के लिए सोनी यहाँ पे रेडी नहीं था। क्योंकि सोनी अगर देखा गया तो उन्होंने यही कहा था कि हम इसके मतलब खिलाफ नहीं है पुनीत गोयंका के ओर से, बट फिलहाल उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो इन्वेस्टिगेशन चालू है तो आप उनको बोर्ड पे लेकर चलोगे तो ये तो ठीक नहीं है। तो सोनी ने सजेस्ट किया था कि देखा गया तो तब तक NP सिंह करके व्यक्ति है, उनको हम MD CEO यहाँ पे बनाएंगे एंड जैसे इनके ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर गोयंका जी को यहाँ पे क्लीन चिट अगर मिल जाती है, जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर जो सारे केसेस अगर हट जाते हैं तो वापस हम लोग उनको क्या करेंगे, एज अ कंपनी के MD CEO यहाँ पे बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देखा गया तो इसमें कोई भी बीच का रास्ता निकल ही नहीं रहा था एंड फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं तूतू मैमे यहाँ पे चल ही रहा था एंड फाइनल अभी देखा गया दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते कोई निगोशिएशन हो ही नहीं पाया। तो फाइनली अभी सोनी के पास एक ही चीज़ यहाँ पे बच गई कि भाई टर्मिनेट कर दो, वरना ऐसे ही तारीख यहाँ पे तारीख के ऊपर तारीख चीज़ें यहाँ पे बढ़ती रहेगी और रिजल्ट तो कुछ यहाँ पे निकलेगा नहीं। 8 महीने की चीज़ें अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक करोगे तो इतना टाइम लग गया कि मतलब कुछ आउटकम ही नहीं निकल रहा है, ठीक है, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो फाइनली हम लोगों को क्या ऑफिशियल खबर देखने को मिल रही है कि ये डील अभी हम लोग को कैंसल आउट होते हुए देखने को मिल चुके हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो भाई कितनी बार खबरें आ गई, ठीक है, एक्सटेंड कर करके हमारे कान भी पक चुके थे। सो अभी आगे क्या होगा, जिस प्रकार से जी ने भी एक वार्निंग देके रखी हुई थी एंड रिपोर्ट के जरिए ही ये खबर सामने आती हुई देखने को नहीं, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए कि जी अभी सोनी के अगेंस्ट ये जो डील उन्होंने टर्मिनेट की है मर्जर वाली लीगल एक्शन लेगा, तो उनको भी एक कोर्ट में खींचेंगे। अभी तो एक कोर्ट भाई मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना ये बड़ा खेल चलता रहेगा, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है भाई इतने बड़े बड़े डील्स 80-80 हज़ार करोड़ के डील्स अगर अनसर्टिनिटीज़ में अगर चले जाएंगे तो फिर स्टॉक का होगा ही क्या, छोटा मोटा तेज़ी आएगा कभी खबरों के चलते, स्टॉक 10% भागेगा 15% भागेगा, ठीक है, वापस वो नीचे आएगा। सो ये ट्रेडिंग तो हर किसी भी स्टॉक में हम कर सकते हैं बट इन्वेस्टमेंट की बात करें भाई हमें कंसिस्टेंसी चाहिए और ऐसे झमोले से कंपनी दूर रहनी चाहिए, ठीक है, इतने बड़े अगर चीज़ों में अगर ये अटकेंगी तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो ये अभी तक की कहानी देखने को मिली देन रिपोर्ट के जरिए टोटली एक अनऑफिशियल खबर भी बाजार में हम लोग को सर्कुलेट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी वाली खबर, कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि शायद से अदानी जी की भी एंट्री हो सकती है इस चैप्टर में। मतलब देखिए जी की तो हालत ही ख़राब है, आप उनके बैलेंस शीट PNL देख के समझ में आ जाएगा। 4-5 साल पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हालत बहुत ही गंभीर है करके, ठीक है, वो पुराने वीडियोज़ रहेंगे उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आपको आई बटन पर दे दूंगा, जाकर पढ़ लेना, ठीक है, तभी वो स्टॉक कितना ऊपर चलता था आप आज देख सकते हो उसकी हालत क्या है। सो फिलहाल बताया जा रहा है कि शायद से जी को अगर देखा कि किसी ने तो टेक ओवर करना पड़ चाहिए, मतलब वो खुद के पैर के ऊपर खड़े ही नहीं रह सकते, धीमे धीमे करके वो स्टॉक नीचे ही चला जाएगा, ठीक है, कंपनी में उतना कैश उतना दम ही नहीं है, तो माइट भी अदानी ग्रुप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए आ रही है। मतलब आप NDTV बाकी के जो अदानी के मीडिया स्टॉक्स है उनके ऊपर फोकस रख सकते हो, होगा नहीं होगा भाई किसी को पता नहीं, ठीक है, तो क्या इस चीज़ के चलते हम खरीदे इसको, तो जैसे मैंने कहा ये तो तुक्का लगाने के बराबर है, अगर हो गया तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो स्टॉक गिर जाएगा, तो ऐसी चीज़ें भी हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो कल के दिन की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट तो हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा एंड ऊपर से अगर देखा गया तो FNO वाला स्टॉक, ठीक है, अगर इसकी ठुकाई अगर किसी को करनी होगी तो ज़ोरदार ठुकाई करवा सकते हैं, यहाँ पे बिना सर्किट के काम होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी FNO के अलग अलग लिस्ट भी होते हैं, वो बैन होता है नहीं होता है वो उतना यूजुअली हम लोग देखते नहीं क्योंकि हम इन्वेस्टर है, बट फिर भी ये खबर तो बिल्कुल भी सेलिब्रेट करने वाली खबर तो यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, इस प्रकार के जो अफवाह भी यहाँ पे फैलाई जा रही कि अदानी ग्रुप एंटर कर सकता है, तो इस चीज़ के चलते भी
कुछ भी हो सकता है। तो एज अ इन्वेस्टर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे नहीं जाने वहाँ पे मतलब हम तो जस्ट एंजॉय करेंगे क्या कल होगा करके, ठीक है। एंड अगर आप चेक भी करोगे 5 साल में स्टॉक कैसे नीचे आया, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, एक ज़माने में ये निफ्टी 50 का पार्ट था, और तभी मैं कहता था ये निफ्टी 50 में नहीं रहना चाहिए। एंड उसके बाद आप ये देख सकते हो कैसे स्टॉक नीचे 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 ही जा रहा है करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को लिए, एक ज़माने में मार्केट कैप इसका क्या था और आज देखिए क्या है, केवल 22,000 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी का पीएनएल भी देखोगे, प्रॉफिट इतना कुछ खास नहीं होता है, बहुत बार हम लोग को चीज़ें लॉस में देखने को मिल जाती है, इस वक्त भी लॉस ही हम लोग को देखने को मिल रहा था, कोई कंसिस्टेंसी यहाँ पे बनती नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रमोटर तो नहीं है बट येस इंस्टीट्यूशंस की हम लोग को ज़बरदस्त होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इंस्टीट्यूशंस अभी बोलते हैं ना, यूजुअली ऐसी खबरें आ जाती है तो बड़ा सेल ऑफ अगर देखने को मिल जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन ही बेचते हैं, एंड खरीदने वाले यूजुअली पब्लिक ही होते हैं, प्रमोटर तो ऑलरेडी यहाँ पे वो एडजस्टमेंट के चलते हम लोग को दूर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो जी कल आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रख सकते हो। देन उसी के साथ साथ एक और स्टॉक है जी लर्न करके, ये एक साथ ही चलते हैं, इसमें भी कुछ खास बचा नहीं है, आप देख सकते हो लगातार गिरावट 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 ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है, फंडामेंटली वीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ज़माने में प्रमोटर के पास 26 था, FS 21% की होल्डिंग लेकर चलते थे, पब्लिक 50 थी, आज 50 की पब्लिक लगभग 80 हो चुकी है, प्रमोटर आप देख सकते हैं 15 है, एंड FIS भी जितना हो सके लगातार माल बेचते ही जा रहे हैं, किसको बेचेंगे, पब्लिक को ही बेचेंगे, खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे। एंड मार्केट एकदम टॉप पे चल रहा है, बहुत ताज़ा ताज़ा बकरे भी मिल जाते हैं यहाँ पे, किसी भी भाव पे ऊपर यहाँ पे बेच देंगे, ठीक है। तो जो फंडामेंटल्स विंडामेंटल्स कोई देखता नहीं उसके लिए तो भाई 7 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, वो यही सोचेगा वापस 40 पे कभी तो जाएगा करके, ऐसा ही रैंडमली अगर कोई बाइंग करेगा तो फिर हो गया शेयर मार्केट उसके लिए। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जी मीडिया भी है, तो जी मीडिया की भी अगर बात करें तो उसकी भी हालत खराब है, ठीक, फंडामेंटल्स वीक है दोस्तों, देखिए ऐसी तेज़ी बनती है, ठीक है, बट वो तेज़ी क्या हो जाती है, टिकती नहीं, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल्स पुअर है ना। ट्रेडिंग के हिसाब से तो आप कितना भी स्टॉक भगा सकते हो बट फंडामेंटल्स ही पुअर रहेंगे तो फिर वो बड़ा सेल ऑफ आएगा ही, और फिर उसके बाद नीचे खरीदने वाला कोई नहीं होता है, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। सो जी मीडिया की भी अगर हम लोग बात करें सेम ही हालत देखने को मिल रही है, एक ज़माने में 18% प्रमोटर थे, आज कितने हैं, कुछ भी बचे ही नहीं है, 0 ही है, प्रमोटर ही चले गए। देन FIS की बात करें 10% थे, FIS कितने, चलो 8% है, DIS तो है ही नहीं, समझदार है, पब्लिक तो खरीदते ही जाएगी, अभी पब्लिक की हिस्सेदारी देखिए बढ़ती जाएगी, 91, 92, 93, 94, ठीक है, खरीदते जाएंगे, क्यों, इमोशनली सस्ता मिल रहा है, खरीदो, कुछ जो मिल रहा है खरीदो, कचरा उठाते जाओ, ठीक है। तो ऐसा करते ही शेयर बाजार उनके लिए क्या हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। तो ओवरऑल इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कल कुछ भी हो जाए, देखिए बड़ा बड़ा खेल चलता रहता है, इसके पहले भी ऐसे हुआ था कि खराब न्यूज़ आई थी फिर भी स्टॉक को भगा देते हैं, बड़े प्लेयर्स कुछ भी करवा सकते हैं, ये अदानी की जिस प्रकार की खबरें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है, एनीथिंग कैन बी हैपन, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बट यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर जब तक कंपनी की बैलेंस शीट, जब तक कंपनी का PNL, ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स, ये जब तक हम लोगों को अच्छे नहीं देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तब तक किसी भी कंपनी में जाना नहीं चाहिए एज अ इन्वेस्टर, ठीक है। इमोशनली ये क्या हो गया कि स्टॉक भागा तो ये इमोशनल बायर हो गए, ठीक है, उनको बैलेंस शीट PNL फंडामेंटल्स कोई इससे मतलब नहीं, आपको अभी दिखाया ना शेयर होल्डिंग, देखिए 90% पब्लिक, 80% पब्लिक, क्यों जाते फिर भी, तेज़ी दिखा देंगे, 2-3 सर्किट लगवा देंगे, ठीक है, इमोशनली हो जाएंगे, अरे भाई देखो ये तो भाग गया 30%, 40%, तो रॉकेट ही बन जाएगा, खरीद लेते और फिर फंस जाते। तो बस मेरा काम इतना ही था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखने के लिए, ठीक है। अभी तो ये और भी अनसर्टिनिटी में चला जाएगा, ये लीगल बैटल लड़ भी लेते और नहीं भी लड़ेंगे तो भी देखा गया तो इनकी हालत खराब ही है, अनटिल एनालिस्ट अगर कोई बड़ा ग्रुप आके कर इनको खरीद लेता है बचा लेता है तो ठीक है, वरना हालत बैड टू वर्स्ट होते हुए देखने को आप मिल सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।